लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। बिहार के सुपौल में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उद्भेदन करते हुए हत्याकांड में शामिल दो अपराधियों को हत्या में प्रयुक्त लाठी मृतकों के शरीर में मारने के लिए जिस सिरिंज से दवा दिया गया था उसको भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ घटनास्थल के समीप से शराब की खाली बोतल और गोली का खोखा भी बरामद किया गया है। दो पर जो है खुलासा हुआ है कि हत्याकांड कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए। तीन महत्वपूर्ण हत्याकांड जो दो दिन पहले घटना घटी थी, ट्रिपल मर्डर, उसमें एक महत्वपूर्ण हत्याकांड था ललित यादव हत्याकांड, जो कि पूर्व पार्षद थे और वर्तमान पार्षद के पति थे, उनका हत्याकांड। और बगही में एक मधेपुरा का बच्चा था, उसकी बहन को हॉस्पिटल में देख कर लौट रहा था, उसे मोबाइल छीनने के क्रम में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। तीनों हत्याकांडों का पुलिस ने सिलसिलेवार ढंग से पर्याप्त प्रमाण के साथ में गिरफ्तारियाँ की है, इसी के बिंदु पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। कहाँ से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? तीनों घटनाओं में अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ललित यादव हत्याकांड में दो शूटर की गिरफ्तारी हुई है, दो शूटर पहले से जेल में हैं। बगही में सभी बच्चे शहर के हैं, आसपास के मोहल्ले हैं, पांच अपराधी पकड़े गए हैं। और ये ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने जब से घटना कारित हुई थी और संज्ञान में घटना पुलिस को लगी, उसी समय से लगातार काम कर रही थी पुलिस टीम। कभी चैन की सांस नहीं लिया और अंततः 24 घंटा के अंदर संपूर्ण मामले का उद्भेदन किया और उसमें दो महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की। एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जो संपूर्ण घटना के समय वहां उपस्थित था, अपराधियों ने उसके साथ भी उसके कथनानुसार मारपीट की है। मैं बता देना चाहता हूं जो ट्रिपल मर्डर केस है ये मूलतः अष्टधातु के से बनी प्लेट की खरीद बिक्री और इसके बाद पैसे का लेन देन और धातु के प्लेट के आदान प्रदान में हेराफेरी के आरोप में इनके बीच में घटनाक्रम हुई, जिसके बाद है जो अपराधियों के सहयोग से तत्काल एक बधार में जहां पर मचान बना हुआ है वहीं पर घटना कारित की गई। पुलिस ने एक सिरिंज जब्त किया है जिसमें खून लगा हुआ है और डंडा जब्त किया है जिसे पिटाई हुई है, क्योंकि बॉडी के देखने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि हत्या कैसे की गई है। तो ये अब साफ हो गया है कि पीट करके हत्या की गई है और दवा भी देने की पूरी संभावना है। हम लोग एफएसएल में जांच कराएंगे इस सिरिंज में कि इसमें कौन सी दवा दी गई है। मृतक भी इसमें शामिल था क्या अष्टधातु के? बिल्कुल है, ये जो मृतक परमेश सिंह हैं जो कि बग्गा सिंह के भाई हैं, बग्गा सिंह चासी टिट रहे हैं मूर्ति चोरी के केस में। मोहम्मद इस्लाम जो एक मृतक है ये भी मूर्ति चोरी के केस में सुखपुर में 2010 में घटना घटी थी, उसमें चासी टिट हैं। और जो चतुर्दीप बता रहा है कि ये जो गिरोह जो आया था धातु का प्लेट लेने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, जिसमें चार नेपाली नागरिक हैं, उसमें से एक डॉक्टर था। इसके अलावा पांच अपराधियों की पहचान हुई है जो कि इसी जिले के हैं और पुराने अपराधी हैं, वो भी उपस्थित थे। उसमें से एक अपराधी त्रिभुवन की गिरफ्तारी हुई है। पूरे लेन देन में जो सबसे मुख्य भूमिका अपनाया है उसका नाम रामचंद्र मंडल है, करजाइन से है। ये है जो नेपाल निकलने की कोशिश कर रहा था, कुनौली में जब छापामारी हुई तो वहाँ से वो बस से रातों रात भागने की कोशिश की और पुलिस ने है जो निर्मली के आसपास इसको इंटरसेप्ट किया और इसकी गिरफ्तारी हुई। ये पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि इतना जल्दी प्रमाण के साथ में घटना का ना केवल उद्भेदन किया बल्कि मुख्य अभिकर्ता को गिरफ्तार किया है।
चेक किस इशू में दिया गया था सर? ये ललित यादव हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये पैसा है जो दोनों मिला करके एक चेक 1 लाख का है और दूसरा चेक 1,20,000 का है। क्यों हत्या की गई थी? हत्या का कारण है इसका, ललित यादव किसी लड़की के पीछे था जो कि पवन यादव का पवन पंडित का बेटी है और उससे है जो जबरदस्ती की कोशिश हो रही थी। इसका एक केस भी है, उसने किया हुआ है, रिकॉर्ड में है, ललित यादव के खिलाफ केस हुआ था और संपूर्ण घटना को विदन के बाद पता चला है। इसने अपने साले रौशन के माध्यम से ये सुबोध यादव और इसके ग्रुप को ये चेक काटा उसको और कॉन्ट्रैक्ट दिया और अपराधियों ने जिसमें से घटनास्थल पर 5 से 6 की बात हुई थी, 4 और अज्ञात के खिलाफ में FIR है, केस किया गया था और उसमें से महत्वपूर्ण अपराधी पंचानंद दास और सुबोध यादव, गजेंद्र पंडित और एक सुबोध ताती, क्या नाम था एक और जो पकड़ा गया था, प्रमोद दास, यानी 4 की गिरफ्तारी इसमें हो गई। चेक देने वाले खाताधारक का गिरफ्तारी हुई है? चेक देने वाला खाताधारक जो सुबोध पवन पंडित के साले हैं उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। सर कितने पुलिस टीम इस टीम में शामिल थे? इसमें अलग अलग तीनों कांडों में अलग अलग टीमें बनी थी। हमने प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किया है सभी का नाम तफसील से जारी किया है और पूरे टीम को विशेष रूप से DIU टीम को जो सभी घटनाओं में सम्मिलित रही और सपोर्ट किया टीम को तकनीकी रूप से और भौतिक रूप से, तो विशेष रूप से ये DIU टीम को ये राशि सर्वसम्मति से हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि DIU ने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है इसलिए 51,000 की राशि जो नगद है पुलिस अधीक्षक के द्वारा उन्हीं को दिया जाए, तो उन्हीं को मैं सुपुर्द करता हूँ। सर ये पिंटू हत्याकांड में